जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परम आराध्य परम नमस्य परात्पर परमेश्वर अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदारविंदरे शतकोटि प्रणाम मणिमा शतकोटि प्रणाम। श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाल प्रथम दर्शन नीलचक्र पतित पावन बाण जो दर्शन प्रथम भक्त ए जीव करिथाय भक्त श्रीक्षेत्र को आसु बा श्रीक्षेत्र दूर रे थाउ प्रथमे नीलचक्र दर्शन करी पतित पावन दर्शन करी प्रभुंकर भक्ति रे से तलीन हो जाए। प्रभु चतुर्धा मूर्तिंकर दर्शन पूर्वरु पतित पावन बाना प्रत्येक भक्त दर्शन प्राप्ति ही थांती। तेणु सूच मंदिर रे विराटकाय चक्र उपरे अक्षय दंडरे संयुक्त पतित पावन बाना आज परिवर्तन समय आसी अछि। प्रतिदिन परिवर्तन करा जाए, प्रतिदिन ही परिवर्तन करा जाए। महाप्रभुंकर ये पतका बा ध्वजा नेतो बोली कहा जाए। चुनरा सेवक ही ए समस्त सेवार अधिकारी। आज भी चुनरा सेवक जाई श्रीमंदिर अग्रभागे पहुँची सारी सेवा मध्य आरंभ कर सारी। आज पतका मान पृष्ठभाग रही गत कालीर पतका उलागी करिबे आज पतका को लागी करिबे एतिकी सेवा तांकर। दधिनौती टिके प्रणाम कले जणे चुनरा सेवक दधिनौती पाखेरे पहुँचु पहुँचु मथा नत करी दधिनौती की गोटे प्रणाम। सेवा करिबा बेले सेवा आरंभरु सेवा अंतिम पर्याय पर्यंत समर्पित भाव ही एमानंक हृदय रे रहिताए। सदा सर्वदा प्रति मुहूर्तरे प्रति पादरे जगन्नाथंकर नाम को से तुंडेरे धरिथांती जद्वारा ये सेवा को से संपन्न करि पारंती। समर्पित हेबा द्वारा ही सर्व कार्य सिद्धि हुई थाए। समर्पित द्वारा ही प्रभु तांको कार्य सी करै नियंती। आमे जदि कहबा आमे करिबा प्रभु निरवतार सहित बसिबे। आमे जोटा कहिबा आमे करिदेबु ताहा कस्पिन काले कदापि आमे करिपारिबा नाही। कारण मनुष किछि करिपारे नाही। प्रभुंक द्वारा प्रभु ही चाहंती मनुष माध्यमरे करांती। से जगत ठाकुर जगन्नाथ जहाँ को आमे जगन्नाथ को कहुचे सदा बेले जगन्नाथ सर्वधर्मर समन्वयर प्रतीक देवता। कहीं जगन्नाथ हेउचंती सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक। जगन्नाथ को सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक देवता कहजार कारण कौन रही। कारण सी हेउचंती से स्वयं सगुणर मूर्तिमंत प्रतीक निर्गुणर निराकार अभिव्यक्त। तांकठारे सर्वधर्म समन्वय अरोपित हेबा अर्थ से गणपत्यर गणपति वैष्णवर विष्णु शैवर शिव शाक्तर शक्ति सौरर सूर्य बौद्धर बुद्ध जैनर जीन भावे स्वीकृत लाभ करिछन्ति। सेथिपाई जगन्नाथ को कहा जाए जगन्नाथ हेउचंती सर्वधर्म समन्वयर प्रतीक देवता। गणपत्य आसिले तांकर गणपत्य जे उपासक आसी गणेश हेउचंती तांकर इष्ट। तेणु गणपति हिसाब रे से उपासना करिवे फलप्रद हेबो। वैष्णव आसिबे विष्णु भाव रे ग्रहण करिवे उपासना करिवे सी भी फलप्रद पाइबे। शैवर शिव से जेहेतु शैव उपासक माने मध्य शिव उपासना करिवे। आउ शाक्तरे शक्ति उपासक माने जहाँ वर्तमान शक्ति उपासना प्रचलन रही षोडश दिनात्मक पूजा दुर्गा उत्सव। तेणु शाक्तर शक्ति हिसाब से विराजमान करिछन्ति। सौर उपासक माने आसिबे सकल शक्तिर आधार सौर उपासक मानकर सूर्य नारायण प्रभुंक ठारे सूर्य नारायण को आरोपित से निश्चित भाव उपासना करिबे। बौद्ध संप्रदाय आसिबे बुद्ध भाव रे जैनर जीन माने आसिले
से जीन भाव जगन्नाथ को निश्चित भाव स्वीकृत पाइबे। तेणु जगन्नाथ होती सर्व समन्वयर सर्वधर्म समन्वयर प्रतीकर देवता। चुनरा सेवक जाई दधिनौती निकट में पहुँची सारी भक्त माने सिंहद्वार उपस्थित हो आज नाही नथिबा गहल बोली कहा जाए। रिक्शा ता भीतर चली रिक्शार मध्य बसिके लोक जाऊँगी गाड़ी मटर से बाटे आसूँ कारण ये सिंहद्वार बड़ दांड ये भक्त माने दंडायमान होती केवल एकत्रित होती समस्त मुख रही श्रीमंदिर को कारण यही स्थान से रही प्रभुंकर ध्वजाबंधा सेवा को संपूर्ण रूपे दर्शन करी पूर्णता प्राप्ति होता। बहु समय पूर्व आसी जाते स्थान को आसिले मंदिर चतुर्पार्श्वर भक्त माने ठिया हूँ विशेष भाव जिते बड़े पूर्व दिगरे ठिया हूँ पूर्व दिगरे चुनरा सेवक जिते बड़े मंदिर चढ़िकी जी बड़े उपभोग्य लगे जी दर्शन करुए भक्त मान केमी चढ़ी अतिक्रम करके जाऊँच मंदिर कारण एत बड़ मंदिर कौन सी प्रकार पावछर सुविधा ना ता सत्वे मन भितर अनेक प्रश्न भक्त मानक थाए केमी कौ बाटे जीवे सी जिते बड़े देखती चुनरा सेवक निर्द्वंद्वर आनंद चढ़ूँ से आश्चर्य लगे आर भक्ति संपूर्ण विश्वास प्रभुंक प्रति हो जाए। गोटे स्वर से कहते कि प्रभुं कार्य छड़ा आहार नुहे ये सब कार्य प्रभु करौछन्ति। चुनरा सेवक तांकर नीलचक्रु पताका को उलागी करी तळकु दे प्रत्यावर्तन करुछन्ति। सेई चुनरा सेवक जो पताका उलागी हेछि ताकु सजाड़िबे सजत्न सहकारे सजाड़ी तळकु आनिबार व्यवस्था करिथान्ति। तुणु सेई भक्तंकर आराध्य देवता जेभली प्रभु जगन्नाथ से भी अति उच्च सम्मान दे था पतित पावन बाना प्रभुंकर स्वरूप हिसाब रे ग्रहण कर जगन्नाथ को बड़ वैचित्रमय क्षेत्र कारण कई कई कहते जगन्नाथ प्रकृति और पुरुष सी पुरुष एवं नारी श्री जगन्नाथ को कहीं प्रकृति और पुरुष एक समन्वय विग्रह भाव प्रतिपादित कर कारण से साड़ी लुगा पिंधे नाकचणा लगे पुष्प अलंकार मान लगौं श्रीमंदिर देखिए ज्येष्ठ मास शुक्ल एकादशी जो जगन्नाथ को कहीं प्रकृति और पुरुष एक समन्वय विग्रह भाव प्रतिपादित कराए आप देखिए श्रीमंदिर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रुक्णी बहुत उत्सव पालित होता जहाँ को कह जाए रुक्णी हरण एकादशी कई कई कहते ज्येष्ठ मास शुक्ल एकादशी को रुक्णी विवाह उत्सव श्रीमंदिर पालित होता है। उत्सव श्रीदेवी लक्ष्मी बा रुक्मिणी सिंहासन जो श्रीदेवी रही था एवं मदन मोहन श्रीकृष्ण जहाँ को आम कही रत्न सिंहासन उपर विजय होता रुक्मिणी विवाह उत्सव दिन यही समय जगन्नाथ आज्ञामाल कारण जेकोसी उत्सव पर्वपर्वाणी विजय प्रतिमा मानकर भूमिका रही थाए सी आसवा पूर्व पर्व पर्वण को आसवा पूर्व उत्सव को आसवा पूर्व आज्ञामाल प्रभु आज्ञा देवापर से आसी था जी विजय प्रतिमा हूँ ना कहीं से भाव रुक्णी बहुत जितेबले दिवस दिन श्रीदेवी एवं मदन मोहन रत्न सिंहासन को विजय कर समय जगन्नाथ आज्ञामाल मदन मोहन तक दक्षिण हस्तर पाता बेले कारण प्रभुंर दक्षिण हस्तर मदन मोहन पाइबे श्रीकृष्ण बोली आम जहाँ को कौचे बाम हस्तर माँ दक्षिणांग पुरुष सूचित करे से रुक्मिणी पाई बाम हस्तर जगन्नाथ अर्थात दक्षिणांग पुरुष सूचित होगा समय रे बामांग नारीत्व प्रतिपादित होता है। तेणु जगन्नाथ नाम पुरुषवाचक हेले मध्य नारी सुलभ नाकचणा मथामणि
पाटपतनी झोबा कंठी विभिन्न अलंकार विभूषित हूँ। प्रकृति पुरुष महाप्रभु जगन्नाथ चुनरा सेवक नीलचक्र उपरे दंडायमान पूर्वक से तांकर सेवा आगे नौचंती। प्रथमे गोटे लाली रंगर चौदह हतिया बाना से स्थान बांधि सारे कारण केतेबेले कोउदिन भिन्न भिन्न स्थान पताका बंधा जाए एभली पताका सेठी बहु कम देखा जाए आज किंतु सही स्थान रे देखा गला। गोटे चौदह हाथर पताका बांधिला परे से दधिनौती उपरे दंडायमान पूर्वक अन्यान्य जो पताका मान रही से समस्त पताका को बांधिबे। पतित पावन बाना अक्षय दंड रे जहाँ रही ताहा मध्य परिवर्तन करिबे। से परिवर्तन रो समय आसिले कारण ध्वजा बंधा परिवर्तन रो समय ये ध्वजा परिवर्तन हम महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे नीलचक्र रे ध्वजा परिवर्तन सेवा सूर्यास्त समय मध्यान समय सूर्यास्त समय रे ए सेवा को महाप्रभु समय प्रदान करी था। देखंतु ये समय जेतेबेले समस्तंक पाई जणे बड़दांड रे ठिया हबो सेवा को टिके दर्शन करिवो ठंडा शीतलता अनुभव करिवो सूर्यंकर प्रखरता नथिवो भक्त माने आनंद रे बड़दांड रे ठिया हई प्रभुंकर नीलचक्र दर्शन पतित पावन बाना परिवर्तन दर्शन करिवे बहु आगुरु भगवान करे विचार भक्तंक प्रति कारण भक्त बछल भगवान सदा सर्वदा भक्तंक पाई ही से करंती जहा करंती भगवान जहा करंती प्राणीर मंगल जहा करिवे प्राणीर मंगल पाई करी थांते। तेणु कहा जाए प्रभुंकर जो दर्शन सदा बेले आमे करी थाऊ श्रीक्षेत्र को आसु दर्शन करिबा पाई आगबर आनंदर सह प्रभुंकर दर्शन करू भक्त माने आनंद उल्लास रे तांकर कहार तुंड नाई प्रभुंकर नाम को धरिबा पाई उच्चारण करिबा पाई समस्ते देखंतु किभली भाव रे व्याकुलता प्रदर्शन करूछ सतेवा प्रभु को डाकुछ प्रार्थना करूछ हे प्रभु संसार माया कष्ट यंत्रणा रूप के उद्धार कर हे प्रभु जगन्नाथ तुम्हें ही का भरोसा प्रभु को पाई प्रार्थना जो प्रभु को हृदय रे कथा कारण इथि समस्त ध्वजा बंधा दर्शन करबा को आसी नथांती एही समय रे ध्वजा बंधा दर्शन करबा को प्राय तो आसी थांती जिए समस्त किछि ना किछि कष्ट रे रही थांती किछि समस्या रे रही थाए एही समय रे प्रभु को से कहबा पई आसी थांती प्रभु मध्य एही समय रे ध्वजा बंधा परिवर्तन समय रे भक्तंकर आकुल निवेदन को ग्रहण करी था जो व्याकुलतार सहित भक्त तार मनर हृदय कष्टर कथा व्यक्त करी थाए भगवान को कर्ण मध्य प्रवेश करी थाए समर्पित हृदय रे निज आत्मार कथा को परमात्मा को बखाणीबा हृदयर कथा को हृदयर देवता को कहिबा ए भक्त तार आसीबा पूर्वरु श्रीक्षेत्र आसीबा पूर्वरु चिंता करी थाए प्रभुंक क्षेत्र को जीवी ध्वजा परिवर्तन समय रे मोर मानसिकता परिवर्तन कष्टर परिवर्तन पाई प्रभु को मु निवेदन करी प्रार्थना करी प्रभु मध्य ग्रहण करी थांती समस्त निवेदन समस्त व्याकुलतार मनर कथा कुमुद हनुमान को निकट रे सम्मुख भाग रे सुनरा सेवक तांकर कर्पूर आलती प्रत्येक दिन भली आज भी कर्पूर सहित अग्नि संयोग कर सम्मुख भाग आपात मस्तक हनुमान से करी समय रे गोटी थर तांकर कुमुद हनुमान कर्पूर आलती हनुमान मध्य करा जाई थाए से आलती की प्रदर्शित करते अन्यान्य तीर्थ स्थान मान रही पुरी रे श्रीक्षेत्र मध्य रे कारण ध्वजा बंधा सेवा करिबा पूर्वरु हनुमान दर्शन अनुमति निहाती चुनरा सेवक ग्रहण करी थांत
बिना हनुमान कुमुद हनुमान अनुमति रे अंला बेढ़ा उपरको कई जापारे ना। पुरुखा चुनरा सेवक माने अतीतर घटना कही था एभली जेते बेले महादीप दर्शन भक्त माने करती चुनरा सेवक महादीप जाली जाती ये गहल चहल लगुची समस्ते जेते बेले इते गहल नथिला अर्धरात्र रे महादीप उठुतला से अतीत कथा भी चुनरा सेवक मन पक कहते हनुमान साक्षात से दधी नौती तले विराजमान करी विराट काय रूप को धरी विराजमान करी प्रत्यक्ष भाव मत से अनुभव करे किए जड़े से बसी अच्छे तेणु जीवंत ये चिरंजीवी हनुमान प्रभुंकर हनुमान बिना अनुमति रे कई नीलचक्र निकट को से जाई पारे ना कारण प्रभु दायित्व देते सेवा करने को देखते हनुमान हनुमान तुम्हें नीलचक्रर सुरक्षा दायित्व तुम्हारा पतित पावन बानार सुरक्षा दायित्व तुम्हार तेणु ए दुईटी सुरक्षित किभली भाव में रे कौन विपद आसवनी चक्र को विपद आसवनी पता को विपद आसवनी तुम्हें सदा सर्वदा जाग्रत रक्त मान को संकेत प्रदान करुनरा सेवक समर्पित हो जावाई प्रभु पाखे हरिबोल फ्रोहली दे समर्पित हो जावाई से संकेत प्रदान कर श्रीक्षेत्र को आसवे जदि प्रभुंकर नाम न धरवे हरिबोल टिके न देवे आनंदर नाच देखते संकेत पाई से प्रभुंकर नाम को धरी समस्तंकर हाथ ऊर्ध बाहू समस्तंकर ऊर्ध बाहू अवस्था समस्ते रही कारण हे महाप्रभु आपण टिके आम हाथ को धरी पका ए भवसागर मध्यरे जो भवसागर रे जल बिंदुए ना किंतु ये भवसागर रे समस्ते बुड़ी की मरी था से हेउची सागर महाप्रभु सृष्टि करिसंते भवसागर ए भवसागर रे जल बिंदे पाइबेनि बुंदिए जल पाइबेनि आपण गोटे बुंदा जल भवसागर रे पाइबेनि आ से बुंदा जल भवसागर रो कष्ट आखिर दुई बुंदा लुह ही प्रभुंक पाखकु आसी थाए ए भवसागर पारी हेबापाई भावसागर मध्य प्रवेश करिबार रही थाए भावसागर ए समय रे परिवर्तन समय रे प्रभुंकर जो ध्वजा परिवर्तन जेतेबेले ध्वजा परिवर्तन हुए समस्त परिवर्तन रो सूचना पलै आसे प्रत्येक ए समय रे कारण प्रभुंकर जेतेबेले ध्वजा परिवर्तन होउची परिवर्तन रो धारा रे समस्त रहिचंती प्रभु को दर्शन करिवे नीलचक्रंकर दर्शन करी तांकर जीवन भाग्यचक्रर परिवर्तन गतिशील प्रार्थना करिवे प्रभु को नीलचक्र दर्शन जी भी करे भाग्यचक्र परिवर्तन हो जाए ग्रहचक्र परिवर्तन हो जाए कारण षडचक्र संतुलित हो जाए जो मनीषर षडचक्र रही नीलचक्र दर्शन द्वारा ध्वजा परिवर्तन दर्शन द्वारा षडचक्र संतुलित रही थाए क्रियाशक्त हो जाए षडचक्र तेणु सुंदर भाव में पताका को चुनरा सेवक तांकर किभली भाव में बांधि देखते आज पताका दक्षिण दिगक महा आनंद रे समस्त पताका उड़ुछन्ते प्रत्येक पताका आज दक्षिणाभिमुखी तांकर दक्षिण दिगक अग्रभाग पताका बंधा गला परे जना पड़े वायु प्रवाह दिग के दिग को रही वर्तमान देखुं दक्षिण दिग को वायु प्रवाह रही ध्वजाबंधा सरवा परे परे ता पूर्वर हो पारे परिवर्तन हो जापे कारण वायु प्रवाह दिग विदिग किसी ना ये दक्षिण को प्रवाहित होते केत पश्चिम को आसीजे केत पूर्व को आसीजे तो केत उत्तर को जीवे तेणु करी कराउ थाई से ताबिनु अन्य गति ना प्रभु ही सर्वसर्वा प्रभु जगन्नाथ ये सब लीला लीलामय पुरुष समस्त लीला को से श्रीक्षेत्र करी थान
रत्न सिंहासन विराजमान कर सप्तावरण देवता उपासित हो आम कहे चतुर्धा मूर्ति के दर्शन करुचे रत्न सिंहासने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन किंतु भूदेवी श्रीदेवी माधवं दर्शन चार तीन सात सप्ताह सप्तदा विग्रह उपासना बद्ध कुआ जाए से चतुर्धा विग्रह जी रही बलभद्र गोटे तत्वर जगन्नाथ गोटे तत्वर सुभद्रा माँ गोटे तत्वर चक्रराज सुदर्शन मध्य गोटे तत्वर ए तत्व को नहीं विराजमान होती कारण तत्व सहित प्रभुंकर आविर्भाव बलभद्र आत्मतत्व बलभद्र होती क्यों तत्व आम कह बलभद्र को आत्मतत्व बोली विवेचना करा जाय थाय से भली जगन्नाथ को परम तत्व बोली विवेचना करा जाय थाय एवं देवी सुभद्रा को विद्यातत्व बोली विवेचना करा जाय थाय चक्रराज सुदर्शन महातत्वर विवेचनारे से रही थांते अर्थात बलभद्र आत्मतत्व जगन्नाथ परमतत्व सुभद्रा विद्यातत्व सुदर्शन महातत्व ये चारि परे आउ जो तीन रही माधव रही श्रीदेवी रही भूदेवी रही सी भी जड़े जड़े तत्व को बुझे थांते माधव होती सत्यर तत्व जो माधवंकर उपासना वर्तमान दुर्गांक सहित रही एकत्र दुर्गा माधव उपासना श्रीक्षेत्र से दुर्गा माधव माधव तत्व होउची सत्य तत्व सिंहासन श्रीदेवी जो रही सी होउचंती तुरीय तत्व भूदेवी निर्गुण तत्व सात जन सात तत्व सप्त तत्व बोली कहा जाए सप्तदा विग्रह सप्तावरण सप्त तत्व बोली कहा जाए आत्मतत्व परम तत्व सत्य तत्व तुरीय तत्व विद्या तत्व महातत्व निर्गुण तत्व एभली भाव रे सप्त तत्व सिंहासन उपरे उपासित होइथांत चुनरा सेवक तांकर सेवारे निमग्न रहिचंती आज अधिकंतु पतका कारण जो पार्वण ऋतु चली भक्तों आगमन टिके हिथाए समस्ते जे मानसिक करी पतका बांधती ता नुह कई कई खुशी रे मध्य आनंद रे पतका खंडे नीलचक्र रे बांधि थांती कारण नीलचक्र रे पतका बांधिबा पाई जो मानसिकता आसी थाए प्रत्येक हृदय भितरे कोनोसी दुरारोग्य होइछि सबुठू असहाय हेलेनी एकमात्र भरोसा ठाकुर होउछन्ति जगन्नाथ से भक्त माने मानसिक करिथां विभिन्न समस्या को नै से मानसिक करी ध्वजा गोटे बांधिबा पाई महाप्रभु को प्रार्थना करिथां आ महाप्रभु मध्य तांकर समस्त जहाँ समस्या थाए जहाँ रोग थाए हरण करिथां जिए दुखरे थाए दुख को हरण करिथां सुख प्रदान करती जहाँ रोग थाए तक आरोग्य करिथांति कारण महाप्रभु चाहिले सबकिछि करि पारिबे महाप्रभुंकर कोनोसी बड़ आम पाई असाध्य रोग हो पारे महाप्रभुंक पाई असाध्य रोग नुहे निमिषक मात्र के महाप्रभु जिते बड़ असाध्य रोग हो ताहा साधन करदेवे तेणु ये विश्वास भक्त मानकर रही चुनरा सेवक तांकर दधि नौती टरे ठिया हे समस्त जो गंठिला पतका आज अरर मध्य भाग रे रखी गंठी करुचंती गलारे धरिले तांकर पतित पावन बाना तांकर यात्रा हेबो कर्णिका निकट को अक्षय दंड निकट को से तांकर यात्रा आरंभ कले प्रथमे अंतचक्र रे पाद रखी बाह्य चक्र रे पाद रखी अंतचक्र रे पाद रखी कर्णिका ऊपर को जाई पहुंचिचंती अक्षय दंड सन्निकट बा अक्षय दंड को स्पर्श करी से गलारू से पतकाट को काढ़ी आजीर पतका अक्षय दंड को से
नीलचक्रु खोलिबे प्रथमे खोलिबा पूर्वरु प्रणाम जाई समर्पित गले समर्पित हुंती प्रभुंक पाखरे समर्पी जानती ये समर्पित हेबार काहीं कि समर्पित हेबा प्रभुंक पाखरे ना चुनरा सेवक जाई सेवा करिबा पाई प्रत्येक सेवक सेवार अमारंभ पूर्वरु से निश्चित भाव पूर्ण समर्पित भाव होई प्रभु को पदारविंद समर्पी जाई थान तापर सेवा को से स्पर्श कर था प्रत्येक सेवा जिते प्रकार सेवक रही प्रभुंकर से प्रभु को सेवा करने पूर्व समर्पी जाते अक्षय दंड ब्रह्मदंड को जिते बेले ता देहरु पतका को काढ़ी निज गलारे अक्षय दंड रु पतका काढ़ी निज गलारे रखिचंती एवं आजिर पतका जो लाल रंगर पतकाटिए नहींचंती से लाली रंगर पतका को नील चक्र रे बांधिबे लाली रंग बांधिला परे दृश्यमान तो हेउची लाली रंग देखुचंती चुनरा सेवक अक्षय दंडरे कारण थरे पतका बांधी दे से एभली भाव रे आसी थांती जेभली पतकारे पवनर पतका किसी क्षति न करे पवन क्षति न करिव पतका को से भली भाव रे से बांधी थांती आज भी से लाली रंगर पतका टिए अक्षय दंडरे लागी करी अग्रभाग को तार बांधी देवे अग्रभाग को निश्चित भाव रे बांधी देवे बांधिबा परे से अक्षय दंड को मुक्त आकाश को अनंत आकाश ऊपर को टेकी दियंत सेतेबेले भक्त मानंकर भावधारा देखिबे किबळी भावरे ए समय रे देखिबे भक्त जेतेबेले पतित पावन उठी थाए अनंत आकाश ऊपर को समस्तक मन भितरे आनंद भरी दे थांती प्रभु कारण अंतिम पर्याय रे पहुंचीची भोजा बंधार सेवा अंतिम पर्याय एथि पई पतित पावन बाना जेतेबेले अक्षय दंड रे लागी ही जाए आउ कोनोसी पतका बंधा जाए नाही पतित पावन बाना बंधिबा पूर्वरु समस्त मालाकृति पतका को बांधि दे था एमिति भी हेची प्रथमे पतित पावन बाना बांधि परे भी मालाकृति पतका बांधन केतेबेले को पतका बंधा जीव ता मध्य प्रभु निर्धारित करि था सबुदन आपण देखुचंती ध्वजाबंधा सेवा को प्रथमे ये मालाकृति पतका को खोलिकी देखुचंती चुनरा सेवक प्रथमे मालाकृति पतका खोलुचंती लागी करुचंती उलागी करुचंती लागी करुचंती परे पतित पावन बाना लागी करुचंती बेले बेले गोटे गोटे दिन भी एहा भी देखिचंती आपण ए जय जगन्नाथ टीवी रो सीधा प्रसारण कार्यक्रम रे प्रथमे चुनरा सेवक जिबे अक्षय दंडरे पतित पावन बाना को परिवर्तन करिवे तापरे मालाकृति पतका आउ जहाँ लागी पतका को लागी करिवे कारण से ही हेउछि भगवान कर लीला सेते बेले तांको निर्देश आसी थाए को पतका केउ स्थान रे बंधा हबो को पतका आगो बंधा हबो तांको भावना भितरे महाप्रभु रही थांत निजे ही ध्वजा बंधा से चुनरा सेवक भाभी थिबे पतका टिकी दक्षिण पार्श्व रे बांधिबी जदि चिंता करिकि जाइथिबे पतका खोलिकि दक्षिण पार्श्व रे चक्र रे बांधिबा बेळुकु गला बेळुकु तांका हात पळैबो बाम पार्श्व कारण एभळी अनुभव सेई चुनरा सेवक माने पांत सदा जाग्रत महाप्रभु सदा जाग्रत भगवान प्रभु जगन्नाथ सदा जाग्रत से सुप्त नुहंती तथापि भक्त प्रभु को जाग्रत करैबार धारे आसी थाए जगन्नाथ को जाग्रत करेबे याड़े तो महाप्रभु जाग्रत सदा जाग्रत पुणी महाप्रभु को जाग्रत करेबे कली युग रे भगवान को जाग्रत करैबार उपचार मध्य रही थाए भगवान कली युग रे भगवान मुक सुप्त तांको जाग्रत करिबा कहले चतुर्विध पूजार आवश्यक पड़ी थाए चतुर्विध पूजा कौन चतुर्विध पूजा हेउची भक्ति मंत्र तंत्र जंत्र भक्ति मंत्र तंत्र जंत्र भक्ति द्वारा भगवान को जाग्रत करिवे
नम्रता सहकारे तांको निकटरे साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कारण जगन्नाथंक पाखकु जेतेबेले जिवे साष्टांग प्रणिपात नम्रतार सहित भगवान को तांको निकटरे साष्टांग प्रणिपात पूर्वक कारुण्यरे डाकी डाकी जाग्रत करैबा हेउछि भक्ति। कारुण्यरे डाकिबे, व्याकुलता सहकार डाकिबे, महाप्रभु जाग्रत हेबे, ये हेउछि भक्ति। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास तांको उड़िया भागवतर मध्य लिखिछते भक्ति को नै। अति बड़ी जगन्नाथ दास भक्ति को नै सुंदर भाव रे तांकर भागवतर लिखिछन्ते, दुर्जय देह मोर शून्य भकत भावे मु बंधन, अर्थात शून्यता मोर देह दुर्जय, भक्ति ही केवल मात्र मते तार भाव अनुसारे देह धारण बा रूप धारण कराई पारे, अर्थात भक्त मोठारे भक्ति जोग द्वारा समस्त अनायस लाभ करी पारे। शून्यता मोर देह दुर्जय, भक्त ही केवल मात्र मते तार भाव अनुसारे देह धारण बा रूप धारण कराई पारे, भक्त मोठारे भक्ति जोग द्वारा समस्त अनायसरे लाभ करी पारे। भगवान को ठारु अनायसरे लाभ करिबा भक्ति माध्यम रे ही शून्यता नम्रता हेले अनायसरे प्रभु को आमे जागृत करिबा, प्रभु को करुणा कृपा लाभ करिबा। प्रथमे भक्ति चतुर्विध पूजार प्रथमे जदि भक्ति, द्वितीय रे मंत्र, मन स्थिर और पवित्र रखी नानादि उपचार परिचर्या दि क्रमे डाकी डाकी जाग्रत करिबा हेउछ मंत्र। मंत्र द्वारा जाग्रत करैबे प्रभु, मन को स्थिर रखिबे, पवित्र रखिबे, नानादि उपचार करिबे, परिचर्या दि क्रमे डाकिबे, जाग्रत कराइबे, से हेउछ मंत्र। तापर यंत्र, मंत्र परे तंत्र, तंत्र हेउछि तनुस्पर्श पूर्वक विशिष्ट परिचर्या आदि द्वारा डाकी जाग्रत कराइबा हेउछि तंत्र। चिनोरा सेवक ता भितरे आसी रही जाइछन्ति केतक, कारण एतिकि पतका आज बांधिछन्ति चिनोरा सेवक ता पतका आढ़ुआले रे रही जान्ति, पवन हेरे आज पतका सुंदर भाव रे उड़ुछि मध्य। से प्रभुंकर ध्वजा बांधिले प्रभु जाग्रत, चिनोरा सेवक भी प्रभु को जाग्रत करांते, समस्त प्रभु सदा जाग्रत किंतु सेवा माध्यम रे, नहले प्रभुंकर बाजा बाजिब प्रभु निद्र उठिबे, प्रभु पुणी सुवंती, जहार पलक नाही से सुवंती, अपलक नेत्र रे से चाहिचंती संसार को से सदा देखिबे बोले अपलक नेत्र करिचंती, आखिरे तांकर पलक नाही से पुणी सोइबा को जिबे, शयन नीति हबो, पल रत्न पलंक आसिबो, पुणी निघोड़ निदेरे सोइबे, निघोड़ निदेरे सोइबा पई तार व्यवस्था मध्य प्रभु करिचंती, समुद्र शब्द हेले निद हबोनी ता पई व्यवस्था करिचंती, श्रीमंदिर भितरु कोनोसी शब्द जीवनी सोइला बेले तार व्यवस्था प्रभु करिचंती, सोइबार व्याघात न होबा पई व्यवस्था मध्य प्रभु चिंता करिचंती। प्रभु सत्यरे कोन सुवंती, प्रभुंकर लीला को कई बुझी पारी ना, प्रभुंकर लीला को कई बुझी पारी ना, केवल चतुर्विध पूजार करी भक्ति मंत्र तंत्र कहते परिस्पर्श तंतुस्पर्श पूर्वक, तापर से तंत्र मंत्र वेदादि जंत्र प्रयोग पूर्वक डाकिकी जाग्रत करवा हूँ जंत्र। चिनोरा सेवक तांकर ध्वजा बंधा सेवा संपन्न करी तळकु पाट अगणा को आगमन करुछंती, पुणी चतुर्विध पूजार फल स्वरूप भक्ति पूजा रे फल बहु समय सापेक्ष, भक्ति रे पूजा करिबे समय सापेक्ष, ता पुणी असीम चिरंतन परिणाम सुख शांति, परिणाम हो भक्ति रे गले सुख शांति। मंत्र पूजार फल उत्पादिका शक्ति निश्चित भाव रे देखिबे जनन, तेणु सामान्य विलंब फल समास अल्पकाल स्थायी परिणाम शुभ
किंचित दुख। तंत्र पूजारे मध्य सेमिति अछि परिणाम अशुभ सम्मिलित। एवं जेतेबेले देखिबे जंत्र पूजारे अत्यंत शीघ्र क्षिप्र ए पूजारे सर्वनाशर संपादन करिपारे क्षणस्थायी परिणाम नित्यांत भय व्यंजक और विपदजनक। तेणु चतुर्विध पूजार माध्यम रे प्रभु को जाग्रत करिबा। परमशास्त्र भागवत को प्रवेश कले आउ किछि आवश्यकता नाही, गोटी प्रभु को नाम को तुंडे धरले आउ किछि आवश्यकता नाही। आसंतु 11 स्कंद 26 अध्याय कंठदान करिचंती परमशास्त्र अध्याय को भागवत कंठदान करिचंती श्रीमती नमिता अग्रवाल मा तांकरी कंठरे आज परमशास्त्र भागवत 11 स्कंद 26 अध्याय को श्रवण कर पुण्यता नम्रता प्रदान करिबा शरीर को एवं प्रभु पाखे समर्पित जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।